सरदेव भाई जी का था। एक सामान्य व्यक्ति को इस पर विश्वास करना बहुत कठिन होगा कि क्या एक व्यक्ति इतने रूपों में हो सकता है कि वह क्रांतिकारियों का भी सहयोगी हो, वह देश के नेतृत्वकर्ताओं के साथ भी संवाद बनाता हो, वह देश के अंदर आई भी किसी आपदा में अग्रिम पंक्ति में रह करके वहां पर सहायता के लिए भी हाथ बटाता हो, सहयोगकर्ता के रूप में एक स्वयंसेवक के रूप में भी कार्य कर रहा हो, वह एक साथ क्रांतिकारी गतिविधियों को न केवल प्रश्रय देकर के उनको नेतृत्व दे रहा है बल्कि देश की आजादी के लिए बढ़ चढ़ करके भाग लेने के साथ साथ भारत के मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना के उस पवित्र कार्यक्रम के साथ भी जुड़ा हुआ हो, यह अनुमान लगाना हर एक व्यक्ति के लिए असंभव सा होता है। लेकिन यह सच भी है कि भारत के हित में, भारतीयता के हित में, भारत के एक बड़ी जनसंख्या के हित में जो कुछ भी अच्छा हो सकता था वह उस कालखंड में सरदेव भाई जी ने अपने जीवन का ध्येय बना करके उन कार्यों के लिए सदैव समर्पण भाव के साथ कार्य किया और बिना किसी की प्रवाह के बगैर किया। संबंध सबसे है, संवाद भी सबसे है, लेकिन संबंध और संवाद से भी बढ़ करके व्यावहारिक जीवन में देश हित में क्या हो सकता है यह उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। सनातन धर्म के हित में क्या हो सकता है, जो सनातन धर्म के हित में होगा, जो देश के हित में होगा, वही हम करेंगे। इसके अलावा हमारे किसी प्रकार के संबंध और संवाद का कोई मायने नहीं। और इसको उन्होंने जीवन पर्यंत निभाया, कौन नहीं जानता है। देश की आजादी की उस लड़ाई में सरदेव भाई जी को नजरबंद किया गया, जेल के अंदर डाला गया, साहित्य कल्याण का साहित्य जब्त हुआ, लेकिन उन्होंने उसकी परवाह के बगैर लगातार कार्य करते रहे। हर एक उस क्रांतिकारी के साथ सहयोगी बने रहे। ये भक्ति की वह शक्ति है जो सदैव भारत की धरती ने दिया। कभी गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर, कभी छत्रपति शिवाजी के नाम पर, कभी महाराणा प्रताप के नाम पर, और मध्यकाल के इस पूरे कालखंड को उठा करके आप देखेंगे जितने बड़े क्रांतिकारी हुए, जितने महान योद्धा हुए, उनकी आधारशिला किसी न किसी भक्ति की आधारशिला से वे आगे बढ़ करके शक्ति के कुंज बनकर के राष्ट्र का नेतृत्वकर्ता बने। और राष्ट्र के नेतृत्वकर्ता के रूप में उस कालखंड में उनका जो बलिदान था वह देश के लिए एक नई प्रेरणा का केंद्र बिंदु बना। और वही कारण था कि सरदेव भाई जी ने इन सभी बातों को अपने जीवन का हिस्सा बना करके निरंतर उसको वे अंगीकार करते रहे। साहित्य के क्षेत्र में इतना अद्भुत कार्य, गीता प्रेस के माध्यम से रहा हो, आदि पत्रिका कल्याण के आदि संपादक के रूप में उनके द्वारा दिए गए योगदान का रहा हो, या फिर गीता वाटिका में अपनी साधना स्थली में आकर के सरदेव राधा बाबा के साथ मिलकर के, दोनों दो शरीर थे लेकिन दोनों में एक आत्मा निवास करती थी। एक राधा बाबा, सरदेव राधा बाबा पूरी तरह आध्यात्मिक साधना में लीन, किसी भी प्रकार की समाज और व्यवस्था से निरपेक्ष एक ऐसी समाधिस्थ मूर्ति थी जिनको देश काल और परिस्थिति कहीं भी कुछ भी उन्हें स्पर्श नहीं कर सकती थी। लेकिन इन दोनों महापुरुषों का आध्यात्मिक सानिध्य इतने लंबे समय तक एक साथ चला कि दोनों दो शरीर थे लेकिन आत्मा दोनों में एक निवास करती थी। आध्यात्मिक यात्रा दोनों की एक साथ चली, एक लंबे समय तक चली, और आज उसी का परिणाम है गीता वाटिका उसी आध्यात्मिक शक्ति के कुंज के रूप में निरंतर नए नए प्रकल्पों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करती है।
लोक कल्याण को अपने जीवन का ध्येय बनाती है। आज जब हम लोग इस बात को देखते हैं, आज भारत स्वतंत्र है, स्वतंत्र भारत में आज देश के अंदर जिस प्रकार का नेतृत्व है वह भारत और भारतीयता के लिए समर्पित है। भारत के मानबिंदों की पुनर्स्थापना का कार्य जो वर्षों से लंबित था, कई सौ वर्षों से लंबित था, दशकों से, शतकों से जिसकी प्रतीक्षा लोगों को थी, वे कार्य एक एक करके पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी को विश्वास होता था कि अयोध्या में से राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर बन पाएगा, लेकिन वह साकार हुआ है और साकार हो चुका है। किसी को विश्वास होता था कि काशी की संकरी गलियों में इतना बड़ा बाबा काशी विश्वनाथ का इतना बड़ा धाम काशी विश्वनाथ धाम के नाम पर बन पाएगा। आज आप काशी में जाइए, आपको एक विस्तृत धाम वहां देखने को मिलेगा। आप विंध्यवासिनी धाम में जाइए, वहां पे आपको उस प्रकार का स्वरूप मिलेगा। भारत की सबसे बड़े सांस्कृतिक आयोजन कुंभ, जो अव्यवस्था, अराजकता और गंदगी का पर्याय बन चुका था, भगदड़ जिसकी नियति बन चुकी थी, आज सुव्यवस्था, स्वच्छता और सुरक्षा का एक मानक भव्य और दिव्य कुंभ के रूप में दुनिया के सामने अपने आप को प्रस्तुत करता है। ये नए भारत का वह चित्र है जो न केवल आध्यात्मिक, न केवल भौतिक दृष्टि से दुनिया की एक महाताकत बनने की ओर अग्रसर है, बल्कि अपनी विरासत का सम्मान करते हुए आगे बढ़ रहा है। और इन सब के बीच में भी जहां तहां कुछ स्वर उभरते हैं जो अपने ही जड़ों पर मट्ठा फेरने का काम करते हैं, जब सनातन धर्म को ये लोग कोसने का कार्य करते हैं। सनातन धर्म ने कभी भी किसी भी कालखंड में, मनुष्य तो बहुत दूर की बात है, किसी प्राणी और किसी चराचर जगत से जुड़ी हुई किसी भी ऐसे व्यक्ति का, ऐसे जीव का, ऐसे जंतु का, ऐसी वस्तु का विरोध नहीं किया जिसके कारण कहीं भी इस चराचर जगत का हित जुड़ा हुआ हो। उसने तो सबके कल्याण की बात की, सबके समुन्नत की बात की, सबके उत्थान की बात की, उसके उत्कर्ष की बात की। और दुनिया की कोई ऐसी जाति, मत और मजहब नहीं जिसको उसकी विपत्ति के समय सनातन धर्म ने शरण और संरक्षण दिया हो। कोई ऐसी जाति और धर्म नहीं दुनिया का जिसको उसके संकट के समय सनातन धर्म ने उसको सुरक्षा न दी हो, उसको संरक्षण न दिया हो। और सबके बावजूद सनातन धर्म पर हो रहे ये प्रहार प्रत्येक भारतवासी को चौकन्ना करने वाला होना चाहिए। आप याद करिए कि सरदेव भाई जी जैसे कुछ इन्हें गिने व्यक्तित्व थे जो गुलामी के कालखंड में भी भारत और भारतीयता को लेकर के, सनातन धर्म की पताका को लेकर के, कल्याण जैसी पत्रिकाओं के संपादन के माध्यम से अपने आप को इस पूरी यात्रा में झोंक करके भारत और भारतीयता की विरासत को संरक्षण देने का कार्य कर रहे थे। उस कालखंड में कार्य करना कितना कठिन और कितना दुरूहा होगा, लेकिन आज हम सब एक स्वतंत्र देश के नागरिक होने के नाते अनुकूल परिस्थितियों के बावजूद अगर इस प्रकार की कुछ चीजें हमारे सामने देखने को मिल रही हैं, तो हर भारतवासी को इसके प्रति चौकन्ना होना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि वास्तव में इसके पीछे कौन वे लोग हैं।